अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों को आवाज स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है ठीक है जी मेजोरिटी ने यस कर दिया एक भाई ने लिखा आवाज और मैं उनको कैसे बताऊं कि आप रीकनेक्ट करके देखिए जी अभी आवाज क्लियर है एकदम झटका ये बड़ा मजेदार वाली बात है ना ऑनलाइन घर बैठे में जो मर्जी लिखते हैं जैसे मर्जी सुकून से जी हम लोगों ने एक्सेप्टेंस को पढ़ा था और ये मजेदार लगा हमें एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी सीधी सीधी थी कि जब ऑफर आए उसको मान लेना एक्सेप्टेंस होता है फिर हमने इसके एसेंशियल देखने की कोशिश किया था कि एब्सोल्यूट होना चाहिए अनकंडीशनल हो अगर अगले ने कोई शर्त रख दी तो ये क्या होगा काउंटर ऑफर बन जाएगी फिर हमने कहा था एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होना जरूरी है यानी कि अगर अगले ने बोल के एक्सेप्ट किया है तो आपको सुनाई देना चाहिए लिख के किया है तो दिखाई देना चाहिए और एक्शन से कर रहा है तो वो एक्शन ऐसे हों जिससे ये कम्युनिकेट हो रहा हो कि वाकई ऐसे है खतों के केस में क्या होगा वो हम लोगों ने मामला छोड़ दिया था लेकिन फैक्स टेलीफोन इसमें कम्युनिकेशन वैसे ही होगी कि जब अगला बंदा देख लेगा तो कम्युनिकेशन होगी मेन बंदे ने फैक्स भेज दिया और इधर तक फैक्स पहुंचा नहीं तो हम कहेंगे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं तो इसका रूल वही है ओरल वाला कि आमने सामने अगर है और एक बंदा बोल रहा है और दूसरा सुन नहीं पा रहा तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं हुई हल्का सा रेवोकेशन का भी हमने पढ़ा था कि रेवोकेशन का मतलब है कि एक बंदा अपनी ऑफर को वापस ले ले डिटेल से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था फिर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हमने कहा था कि ये नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए लैप्स ऑफ ऑफर से पहले पहले आपने करना है टाइम वो हो जो बताया गया हो और ना बताया गया हो तो रीजनेबल मॉड वो हो जो बताया गया हो और अगर ऐसा ना हो तो यूजुअल मॉड जो उस फील्ड में जो उस तरह का चला करता है गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल कोई परेशान गुज़िश्ता लेक्चर मजेदार था जी एक मिनट एक सवाल यहां से चल रहा है जी अगर ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाती है लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता उस बंदे ने जवाब दे दिया लेकिन आप जवाब को गलत फहमी में सही नहीं समझ सके इसका मतलब है आपसे मिस्टेक हो गई चैप्टर फोर में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मिस्टेक का क्या रूल है अगर एक बंदे को मिस्टेक लगे तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ दोनों को मिस्टेक लगे तो क्या होता है तो अभी मतलब वो यहां से थोड़ा आगे की बात है जी वहां से एक सवाल था रीजनेबल मॉड के एंड पे दो बातें लिखी हुई हैं अजीब सी फरमाइश है ये कि जरा बता दें देखिए मैं इसकी एग्जांपल ऐसे ही दूंगा कि एक बंदे को हमने कहा कि मैं तुम्हें ऑफर भेज रहा हूं खत के जरिए अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो मुझे खत के ही जरिए रिप्लाई करना मैंने कह दिया उसे अब रीजनेबल मोड क्या है खत के जरिए रिप्लाई करें उसने मुझे ईमेल कर दी उसने नहीं शर्त नहीं चेंज की उसने एक्सेप्टेंस को बाई में ही वैसे ही 100% एक्सेप्टेंस तो दे दी उस तरीके से नहीं दी जिस तरीके मोड वो वे मैंने उसे तरीका बताया था मुझे खत के थ्रू रिप्लाई करना उसने मुझे ईमेल के थ्रू रिप्लाई कर दिया अब अगर मैं ईमेल पढ़ूं और उसके बाद उस बंदे को ये ना कहूं कि भाई तुमने मुझे खत नहीं भेजा ये ईमेल की रिप्लाई में मुझे लिखना चाहिए कि भाई तुम्हें मैंने खत का कहा था ये ईमेल
नहीं, मुझे खत्म ही जवाब भेजो। अगर तुम्हें इंसिस्ट करूं, जिद करूं, जोर दूं कि नहीं यार तुम्हारा मॉड ठीक नहीं है, उस मॉड को बदलो, फिर तो सब वो बदलेगा। और अगर मैं ईमेल देखूं, मेरे को यार मैंने खत लिखा था, चलो हो सकता है गलत फहमी लगी हो, और मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक्सेप्टेंस मान ली। तो एक्सेप्टेंस देने वाला उस तरीके से एक्सेप्टेंस देगा जो तरीका ऑफरर ने बताया था, और अगर वो उस तरीके से नहीं करता, स्टिल ऑफरर के पास ऑप्शन है, अगर उसको एतराज नहीं है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेंस को मान ले, और अगर उसे एतराज है तो वो कहेगा नहीं मुझे दूसरे मॉड में चीज चाहिए। अब इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन प्रपोजल, प्रपोजल में यानी कि ऑफर में जो तरीका बताया था, अगर एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं हुई, ऑफरर शेल इंसिस्ट फॉर दैट, ऑफरर को जिद करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जोर देना चाहिए कि भाई मुझे उसी मोड में रिप्लाई करो जो मैंने तुम्हें कहा था। इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट, अगर वो नहीं इस तरह से इंसिस्ट करता, ये बात समझ आई? अगर वो इंसिस्ट नहीं कर पाता या नहीं करता विद इन रीजनेबल टाइम, एक मुनासिब टाइम तक वो नहीं कहता कि भाई तुमने तो गलत मोड मुझे भेजा है, इट्स डीम्ड, डीम्ड ये लीगल वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसा समझा जाएगा, इट्स डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। अगर उसने नहीं जिद की कि नहीं मुझे तो उसी मोड में जवाब चाहिए, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कबूल कर लिया। जी गुज़िश्ता लेक्चर फिजिकल और क्लियर? ऑनलाइन सर, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए बट एक्सेप्टर उसे कहे कि मुझे ऑफर कबूल है लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, देन अब इसका मतलब ये है कि ऑफरर ने टाइम भी कहा होगा कि 3 दिन के अंदर ये काम करो, और दूसरे बंदे ने ऑफर की एक शर्त में तब्दीली कर दी, तो ये क्या बन जाएगा? ये काउंटर ऑफर बन जाएगा, और फिर आप उसको नए सिरे से काउंट करेंगे। अभी उस बंदे की ऑफर है, पहला बंदा अगर उसे टाइम देना चाहे तो दे दे, नहीं टाइम देना चाहे तो वो खत्म हो गया, ऑफर ही खत्म हो गया। सर सिर्फ ऐसा मॉड के केस में ही होगा? जी मॉड के केस में ही, सिर्फ वो जो हमने कहा है ना इस मॉड में रिप्लाई करो, और अगर मैंने कहा था ये मेरी शर्तें हैं और वो शर्तों के जवाब में कुछ शर्त डाल दे, तो फिर तो हमने कहा था वो काउंटर ऑफर है, उससे तो ऑफर ही फौत हो जाती थी। सर क्रॉस ऑफर में अगर दोनों ही एक्सेप्ट कर लें तो कोई एक तो दूसरे से पहले करेगा, किसी का तो मिली सेकंड पहले आएगा, तो जो भी एक एक्सेप्ट करेगा, दोनों ही एक्सेप्ट कर लें तो भी बात तो वही है, ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर ली तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बी ने ए को ऑफर दिया और ए ने एक्सेप्ट कर लिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो लीगली इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में से कौन एक्सेप्ट करता है या दोनों साथ। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट ना करे ये सोच के मैंने भी तो ऐसी ही ऑफर कराई हुई है, तो वो गलत होता है, कम अज कम किसी एक को एक्सेप्ट करना होगा। डन, मैं कोशिश किया करूंगा पहले पिछले दिन का हल्का हल्का सा रिकैप दूं। इस रिकैप के दौरान आप लोग सोचते रहिएगा आपके जो सवाल हैं, रिकैप के बाद मैं आपसे सवाल पूछा करूंगा, और इस सब में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि ऑनलाइन वालों ने तब तक लिख दिया क्योंकि उनको पूछने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद जहां तक उस टाइम तक जितने सवाल आए हुए होंगे मैं उनका आंसर करूंगा। होता है कि मैं इधर आंसर करता हूँ तो बच्चे कहते हैं वाह सर तो मुखातिब है, तो फिर वो मुख्तलिफ तरह के सवाल, सर आई कैप ऐसा क्यों करता है, सर ये ऐसा क्यों होता है, तो वो दो तीन इनफॉर्मल बातें भी आती हैं। तो हमने जितने सवाल आए थे इस दौरान उनको आंसर किया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यहां से एक भाई का कोई सवाल जी। सर ऑफरी और प्रॉमिसी में क्या फर्क है? सेम है, असल में शुरू में ऑफर होती है और एक्सेप्टेंस होती है, ऑफर तक वो ऑफर कहलाता है, ये ऑफरी कहलाता है, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो इनके दरमियान प्रॉमिस बन जाता है, तो फिर अब उसके बाद से हम प्रॉमिस और प्रॉमिसी का वर्ड बुक यूज करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 5 पे जब हम जाएंगे ना तो उसके बाद हम ऑफर और ऑफरी नहीं बोला करेंगे, प्रॉमिस और प्रॉमिसी। चैप्टर 2, 3, 4 इन 3 चैप्टर्स में हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, तो अभी हम ऑफर और एक्सेप्टेंस खेल रहे हैं। जब बन जाएगा तो मैं कहूंगा अब चूंकि ये बन गया है तो अब ये बन गए प्रोमिसर और प्रोमिस, तो ये आपको ये वर्ड अभी थोड़े से नजर आएंगे, आगे जाके आपको प्रोमिसर प्रोमिस ही नजर आएगा, ऑफर और ऑफरिंग ना होने के बराबर नजर आएगा। जी यहां से एक भाई का जी, कहने का मतलब है कि अगर ऑफरर ने ऐसी शर्त रखी तो वो तो ऑफर ही गलत है, और एक्सेप्टेंस देने वाला भी सोचे यार उसने ऑफर दी है मेरी खामोशी से खुद ही समझ जाएगा कि मैं कह रहा हूँ हाँ डन है, तो ये गलत। इसका मतलब है कि ना ऑफर नेगेटिव कंफर्मेशन में हो सकती है और ना एक्सेप्टेंस देने वाला सोचे कि ना जवाब दूं ताकि उसे पता लग जाए कि मेरा जवाब हाँ है, ये जो ना को हाँ कहना है ना ये मना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नो
एक्सेप्टर हमें समझ आ गया, थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया इस चैप्टर का हमारा पढ़ने वाला, मगर वो सबसे टेक्निकल पोर्शन है। मैंने सारे सवाल लिए, जब आपके सारे सवाल खत्म हो गए तो मैं यहाँ गया, तो उसके बाद सवाल कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं, ये क्या करते हैं आप लोग, मतलब यूं तो फिर ये खत्म होंगे, फिर यहाँ वालों को दोबारा से कुछ याद आया होगा, वो जो याद करने वाले टाइम है उसमें क्यों नहीं सोचते। चले मैं आइंदे से बताता हूँ, मैं हर दिन आके कोशिश करूंगा 10-12 मिनट 15 मिनट पिछले दिन की सारी डिस्कशन हो, हल्की फुल्के से मैं कहूँ हाँ वो वाली बात समझ आई थी, वो वाली बात समझ आई थी, फिर मैं रुक के कहूँ हाँ भाई अब आपके सवाल, जब आपके सारे सवाल खत्म हो तो फिर मैं इनकी तरफ जाऊंगा, और जिस वक्त यहाँ गया यहाँ उस वक्त तक जो सवाल आया उनको जवाब दिया जाएगा, उसके बाद इनका कोई सवाल या आपका सवाल आया तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी पिछली बात ध्यान से नहीं सुनी थी, तो जब आपने मुझे सुना नहीं तो मुझे आपका हाथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, जब आप मुझे नहीं सुन रहे तो मैं क्यों क्यों सुनूं। असल में मकसद ये है कि थोड़ा प्रोटोकॉल भी रहे, वरना पता है क्या आधे बच्चे आवाज़ रहते हैं जी, आधे घंटे तक तो बातें चल रही होती हैं, फिर पढ़ाई शुरू होती है, फिर सर कहते हैं छोटा सब्जेक्ट है थोड़ा सा पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं आपको घर जाके बहुत टाइम तो नहीं लग रहा पढ़ने में आजकल, ऊपर से ऑन इसकी वजह से प्रोजेक्टर की वजह से जो पढ़ना था वो भी सामने लिखा हुआ है, उसकी अंग्रेजी उर्दू भी यही मेरे से सीधी करा लेते हैं। तो चलें अच्छी बात है कि हमें इस चीज से फायदा हो रहा है कि हम कम टाइम में ज्यादा समझ रहे हैं, बहरहाल मतलब ये इंशाल्लाह ताला अगर मुझे मजीद पढ़ाने दिया गया तो ये चैप्टर खत्म हो सकता है, अल्लाह खैर करे। थोड़ा सा रह गया, मतलब बिल्कुल 2 पैराग्राफ रह गए लेकिन दोनों बड़े टेक्निकल हैं। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, लो जी खत, खत आए, मैं काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ए ने बी को खत लिखा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सामने वाले ऑडियंस को लाल नजर नहीं आएगा इतना, आपको येलो और व्हाइट नजर आएगा। ए ने बी को खत भेजा, ए ने खत भेजा 3 सितंबर को, बी इंग्लिस्तान बैठा था 1872 में, इंग्लिस्तान में भी बैठा था, उसको ये खत मिला 3 अक्टूबर को, खत में लिखा था कि बी अगर तुम मुझे 2000 टन फलाना चीज बहरी जहाज के थ्रू भेजो तो मैं तुम्हें इतने लाख रुपए देने पे तैयार हूं, बताओ मेरी ऑफर कबूल है या नहीं। बी ने खत देखा, फिर अपने स्टाफ से पूछा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा हाँ जी इतना पड़ा हुआ है, अच्छा काम करते हैं 2-3 दिन में जल्द मजीद परचेजिंग करते हैं, एक बंदे ने ऑफर भेजी है तो मैं उसको एक्सेप्टेंस दे देता हूँ। 2-3 दिन में माल को रेडी किया और 6 अक्टूबर को बी ने ए को रिप्लाई कर दिया कि मुझे कबूल है। जब ऑफर का खत महीने बाद पहुंचा है तो कबूलियत का खत महीने बाद पहुंचेगा, असूलन 6 अक्टूबर को बी ने माल साइड पे कर दिया है, क्योंकि वो खत का जवाब हाँ में दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उधर खत पहुंचेगा और उसके बाद ये माल सप्लाई करने के बारे में सोचेगा क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दे दी है, इसकी नजर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उस तक खत पहुंचा ही नहीं है अभी। अब खत महीने बाद पहुंचता है, ये रस्ते का मसला है, पुराने जमाने का मसला है, तो अगर ए 3 सितंबर को खत भेजे और अक्टूबर की 15 तारीख को किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो क्या ये बी के साथ जुल्म नहीं है? खत का मसला भी तो है ना, महीने महीने बाद पहुंचता है, उसने खत रिसीव किया हार्डली 3 दिन में फौरन से रिस्पॉन्स बना के यस कह के भेज दिया, और जब यस कह दिया अपनी तरफ से तो ये तो तैयार बैठा है, इसका अपना माल साइड पे कर लेना है, और उसको यस भेजने के बाद शायद तकरीबन 4-5 दिनों में सारी चीजों को देख के और उसकी वहां पे सेंडिंग का भी मैकेनिज्म वगैरह सोच रहा हो कि अब इसको बहरी जहाज से भेजना है किस तरह से करना है, और ए भाई साहब दरमियान में किसी और को ओके करते हैं तो ये बी के साथ जरूर बात समझ आएगी। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस का खत बी ने रवाना किया 6 अक्टूबर को, ए को मिला 6 नवंबर को, या चलो 5 नवंबर को मिल गया, तो ए असूलन इस एक्सेप्टेंस पे सोच के बताना है किस दिन बाउंड हो जाएगा एक्सेप्टेंस पे, 6 अक्टूबर,
कानून को हिफाजत करनी है उस बंदे की जो एक्सेप्टेंस दे के यकीन पे बैठा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया और अब मुझे सामान तैयार रखना है। जब एक को खत भेजते हुए पता है कि खत पहुंचने में टाइम लगता है तो फिर उसको थोड़े से दिनों का मार्जिन रखना चाहिए कि वो पढ़ेगा, देखेगा, फिर वो रिप्लाई करेगा, तो जितना मेरा टाइम लगा उतना उसका टाइम लगेगा। तो टेक्निकली एक महीने का ट्रेवल टाइम है, तो उसको एक महीने बाद से डेढ़ एक महीने का असूलन मार्जिन जहन में रखना चाहिए। या तो खत का जवाब एक रीजनेबल टाइम तक आना चाहिए, या तो टाइम बता देता कि भाई तुम अगर खत मुझे फौरन से पहुंचा दो और मुझे 4 नवंबर तक मिल गया ठीक है, तब तक ना मिला तो ठीक नहीं है, या तो आप टाइम बाउंड कर दें। आपने टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम तक इंतजार करना है। अब अगर वो एक्सेप्टेंस दे चुका है, हम क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन होती थी नॉर्मल रूल के, लेटर भूल जाए। जब बोलता है एक बंदा एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेशन कब होती है, जब सुन ले, फैक्ट आए, देख ले, फैक्ट का रूल भी वही आमने सामने वाला है। खत में ऐसा नहीं, खत में कम्युनिकेशन उस दिन हो जाती है जब खत रवाना हुआ, यानी कि 6 अक्टूबर को मान लेगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। एक ही नजर में एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है, 6 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को भी ए किसी और के साथ डील नहीं कर सकता। बस प्रॉब्लम यह है कि ए को पता नहीं है कि खत रवाना कब हुआ, तो फिर बाद में पुराने जमाने में साबित करना पड़ता था टिकटों से, डाकिये से, लेटर बॉक्स से, एविडेंस से कि मैंने इस वक्त तक खत रवाना कर दिया था, तो असूलन उसको बाउंड हो जाना चाहिए। तो खत में सारी कहानी रिवर्स हो जाती है, इसलिए मैंने खत वाली बात आखिरी दिन के लिए रखी थी। तो अभी तक रूल ये था कि एक्सेप्टेंस पढ़ने पे पता लगता है कि एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस सुनने पे पता लगता है एक्सेप्टेंस हो गई, लेकिन यहां एक्सेप्टेंस उधर से रवाना होने पे आप बाउंड हो जाएंगे। अच्छा, ए को असल में किस दिन पता लगेगा कि एक्सेप्टेंस हो गई, 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर से पीछे पीछे ए को तो नहीं पता बिना एक्सेप्टेंस देंगे, लीगली बाउंड हो चुका है बेचारा खुद बहुत, उसे पता नहीं है। तो बी अपनी एक्सेप्टेंस पे किस दिन बाउंड होगा, 5 नवंबर, जब ए को पता लग जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। इसका मतलब है ए की नजर में एक्सेप्टेंस उस दिन हो गई जिस दिन बी ने खतरा बना किया, और बी की नजर में उस दिन हुई जिस दिन खत पहुंचा, है ना। मजा करूं, जिसके हाथ में खत है वो नहीं, ऑपोजिट, मैं अगर बैठा हूं और वो खत भेज रहा है तो मैं बाउंड हो गया, मैं अगर खत भेज रहा हूं तो जब खत पहुंचेगा तब मैं बाउंड होगा। जिसके हाथ में खत है वो बाउंड नहीं होगा, दूसरी पार्टी के पास अगर खत है तो फिर आप बाउंड होंगे। तो एक्सेप्टेंस में ये क्रॉस उल्टा रूल है, खत भेजता है एक्सेप्टेंस वाला, बाउंड हो जाता है ऑफर। हम कहते हैं ऑफर की नजर में एज पर, इसको हम कहते हैं एज पर ऑफर, इसको हम एज अगेंस्ट भी बोलते हैं, एज अगेंस्ट ए, एज पर ए या एज अगेंस्ट ए, ऑफर की एक्सेप्टेंस उस दिन कम्युनिकेट हो गई जिस दिन खतरा वाला हुआ, और एज पर बी किस दिन कम्युनिकेट हुई है, जिस दिन पहुंचा। तो ये है मजेदार सी एक्सेप्टेंस की कहानी, सोच के बताना है। ए बहुत अच्छी तरह से सोच के बताना है, ए अपनी ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसे पहले पहले रिवोक करते बचत हो जाएगी। 6 अक्टूबर, ए की नजर में एक्सेप्टेंस कब है, 6। तो ए 6 तारीख से पहले पहले अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है, लेकिन आपने ऑफर भेजी हुई है और फिर रिवोक करना है तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपका रिवोकेशन का खत पहुंच जाना चाहिए, तो आपको मजीद तेज रफ्तार घोड़े को यूज करना पड़ेगा। पुराने जमाने में अलग अलग सर्विस होती थी, जैसा भी है ना, एक नॉर्मल खत और एक TCS, तो एक नॉर्मल कासिद होता था और एक बर्क रफ्तार कासिद होता था, जिसके पास ऐसा घोड़ा होता था जो 18 घंटे तक दौड़ सकता और बहुत तेजी से दौड़ता है, वो पैसे ज्यादा लेता था। तो फिर आपको ऐसा मैसेज जो ज्यादा जल्दी पहुंचाना है वो बर्क रफ्तार तेज घोड़े पे भेजना पड़ता। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज पर ए से पहले पहले ए अपनी ऑफर को खत्म कर सकता। सवाल चेंज करते हैं, बी
अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर टोट का बड़ा आसान है, ए ने भेजी थी ऑफर, बी ने भेजी थी एक्सेप्टेंस, जिसका जो डॉक्यूमेंट है वो उसके नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के दिन से पहले पहले रिवोक कर सकता है। ए के नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन हुई है? तो ए भेजता क्या था? ऑफर। तो ए ऑफर को किस दिन तक रिवोक कर सकता है और बी अपनी एक्सेप्टेंस को किस दिन तक रिवोक कर सकता है? तो आपको एक्सेप्टेंस भी समझ आ गई, आपको रिवोकेशन भी समझ आ गई, बस इतना पढ़ना था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ते हैं जरा जाके, ये बात समझ आई? उल्टा वाला रूल। तो खत वो भेजेगा ये बाउंड हो जाएगा, खत इसको मिलेगा वो बाउंड हो जाएगा। अब इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं, अल्लाह हमें अंग्रेजी के शर से महफूज रखे। डायग्राम पे आपको समझ आ गई है? बाय पोस्ट ये कैरी फॉरवर्ड को गीचे मीचे कर देते हैं। कम्युनिकेशन इज कम्प्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, एक काम करते हैं अगेंस्ट के बजाय एस पर लिख देते हैं ताकि आप ज्यादा घबराए ना। कम्युनिकेशन इज कम्प्लीट एज पर या अकॉर्डिंग टू प्रपोजल, जैसे भाई ने कहा, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, लेटर ट्रांसमिशन में जब भेज दिया जाए, आसान उर्दू, जब खत रवाना हो जाए। प्रपोजल के नजदीक कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट होगी? खत रवाना हो जाए। इसी को नीचे उन्होंने मजीद जोर देके समझाया, प्रपोजल बिकम्स बाउंड, प्रपोजल उस दिन बाउंड हो जाएगा एज सून एज लेटर इज, जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, वो बी ने जैसे ही लेटर पोस्ट किया उसी लम्हे ऑफर बाउंड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है, हालांकि उसे अभी तक एक्सेप्टेंस नजर नहीं आई है, लेकिन कानूनी नजर में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि कानून उस बंदे के साथ जुल्म नहीं करना चाह रहा जो माल तैयार करके बैठ गया इसके कहने। दूसरे वाले को देखते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की नजदीक किस दिन कम्युनिकेट होगा? जब खत पहुंच जाएगा। व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा। इसको देखते हैं, एक्सेप्टर बिकम्स बाउंड, एक्सेप्टर उस दिन बाउंड होता है व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली रिसीव्ड, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस असल में पहुंच जाता है उस दिन। बिफोर दैट एक्सेप्टर मे रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। जो हमने नहीं पढ़ा वो दरमियान की एक लाइन थी, अगर लेटर रस्ते में लॉस्ट या डिले भी हो जाए ना तो भी ऑफरर बाउंड है, एक रीजनेबल टाइम, ठीक है। वो अब रीजनेबल टाइम कितना होगा वो अदालत बताएगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए था, किस तरह से करना चाहिए था। तो ऐसे में 1.5-2 महीने का वेट शायद अदालत कहे कि कर लेते, उसके बाद तुम अपना मामला किसी और तरह से कर। तो कहने का मतलब है कि खत भेजता है बी, बाउंड हो जाता है ए, खत मिलता है ए को, बाउंड हो जाता है बी। ये उल्टा रूल है, सिर्फ ये एक ही जगह पूरे चैप्टर में, एक्सेप्टेंस की खत वाली कम्युनिकेशन में, वरना हमेशा हम कहते थे जिसने जब बोला बाउंड हुआ, जिसने जब सुना बाउंड हो गया। लेकिन यहां हम उल्टा बोल रहे हैं, खत लिखने का मतलब वो बोल रहा है, बोल हो रहा है, बाउंड ही हो रहा है। खत पढ़ने का मतलब इसने सुन लिया, सुन ये रहा है, बाउंड हो रहा है। तो खत में ये ऑपोजिट हो रहा है, इसीलिए छोटा सा पोर्शन आज के लिए बचा के रखा। सामने मौजूद हाजरीन में ये जो मैंने बात कही है, इसमें अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा सा बता दें, डायग्राम को देख के क्या अच्छी तरह से बात समझ आ रही है? सिर्फ ऑपोजिट रूल ध्यान में रखना। एक्सेप्टेंस की खत से जब कम्युनिकेशन होगी, खत भेजेगा वो एक्सेप्ट करने वाला, बाउंड हो जाएगा ये ए जिसने ऑफर भेजी थी, और खत इसके पास पहुंच जाएगा एक्सेप्टेंस का, तो उस दिन बी बाउंड। तो ये ओवरऑल एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन है, इसी टाइमलाइन से कनेक्टेड। रिवोक करने का क्या मतलब था? मंसूख कर देना, खत्म कर देना, मतरूक कर देना। ऑफर देने वाला ऑफर रिवोक कर सकता और एक्सेप्टेंस देने वाला
एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, लेकिन ये दोनों किस टाइम से पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट रिवोक कर सकते हैं? जिस दिन इनकी नजर में एक्सेप्टेंस हुई है, एक ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। ए की नजर में एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट हुई है? तो ए अपनी ऑफर किस दिन तक रिवोक कर सकता है? बी के पास, बी ने भेजा था एक्सेप्टेंस का खत, बी अपनी एक्सेप्टेंस का खत उस दिन तक रिवोक कर सकता है जिस दिन बी की नजर में एक्सेप्टेंस पहुंच वो हुई है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट। और बी की नजर में एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? यही बात एक दफा जरा सामने इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फिर वहां से एक भाई का सवाल है वो सवाल लेते हैं, जरा रेवोकेशन को देखते हैं। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, ऑफर कब रिवोक हो सकती है? अ प्रपोजल यानी कि ऑफर मे बी रिवोक्ड, रिवोक की जा सकती है एट एनी टाइम। ऑफर कभी भी रिवोक कर सकते हैं, किस टाइम से पहले पहले? बिफोर एक्सेप्टेंस, ये जो आमने सामने वाला है वो तो एक्सेप्टेंस फॉर्म हो जाती है, और द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर ऑफरर है ना, तो ऑफरर उस दिन तक ऑफर रिवोक कर सकता है जब तक ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं हो, और इसके नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस दिन हुई थी जब उसने खतरा बनाया। अब दूसरे भाई की बात करते हैं, टाइमिंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो रिवोकेशन कभी भी नहीं भूलेगा, आपने बस ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किस दिन होती है। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को उस दिन तक रिवोक कर सकता है जब उसी बंदे के नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई उससे पीछे पीछे, और एक्सेप्टेंस देने वाला एक्सेप्टेंस को उस दिन तक रिवोक कर सकता है जब तक उस बंदे के नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, जो हमारी एग्जांपल में यहाँ पे 5 नवंबर। मैं दोबारा आपके सामने डायग्राम लेके आता हूं, बल्कि एक छोटा से एक बात और भी है, रिवोकेशन कम्युनिकेट कब होती है? इसका नॉर्मल रूल है, जब आपने खत भेजा, जिस वक्त आपने खत भेजा आपने आपकी तरफ से रेवोकेशन चली गई, लेकिन दूसरे को वो दूसरा कब बाउंड होगा रेवोकेशन पे? जब उसे मिलेगी। तो रेवोकेशन की कहानी सीधी है, सिर्फ एक जगह उल्टी कहानी है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। ऑफरी, अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं ऑफरी नहीं बोलता, एक्सेप्टर और ऑफरर बोल देता हूं। एक्सेप्टर के नजदीक अगर खत से ऑफर आ रही है, ऑफर, तो एक्सेप्टर के नजदीक ऑफर किस दिन कम्युनिकेट हुई? जब उसे खत मिल गया। और नॉर्मल बात है, जब आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तभी तो कम्युनिकेट होता है। लेकिन एक्सेप्टेंस मोर रूल है, रेवोकेशन में फिर सीधा रूल है, जो खत रेवोकेशन का भेज रहा है उसके नजदीक उस दिन कम्प्लीट हो गई, और दूसरे को जब मिलेगा उसके नजदीक उस दिन कम्प्लीट हो गई। तो टेक्निकली जो कहानी है वो एक्सेप्टेंस की ऐसी है जिसमें ये क्रॉस बन जाता है। वहां से एक भाई का एक सवाल नहीं था, ठीक है, भाई ने सवाल राइट कर दिया, रिमूव कर लिया। जी जी, अगेंस्ट प्रपोजर का मतलब है प्रपोजर के मुताबिक, इस अगेंस्ट को खिलाफ नहीं कंसिडर करना, मतलब इसलिए इसको एज पर लिख देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, प्रपोजर के नजदीक जब लेटर वहां से निकलता है, नहीं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस का खत निकालना किसने? प्रपोजल के केस में इसने अपनी तरफ से ऑफर भेजी तो ये अपनी तरफ से पक्का होगा मैंने ऑफर भेज दी है, लेकिन ऑफर कम्युनिकेट किस दिन होगी असल में? जब वो पढ़ लेगा। तो ऑफर की कहानी सीधी है कि पढ़ने के बाद वो बाउंड होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस में पढ़े बगैर बाउंड हो गए आप, एक्सेप्टेंस में अलर्ट हो गया ना, वो भाई ने खत रवाना किया, वो रास्ते में और ये बेचारा बाउंड हो गया, लेकिन ये बेचारा नहीं है, वो भी तो बेचारा माल रख के बैठा हुआ है। तो लॉ ने यहाँ थोड़ा इंसाफ रखने के लिए, और ये हम जो पढ़ रहे हैं आजकल फॉलो ही नहीं होता, व्हाट्सएप पे फौरन से मैसेज हो जाता है, ब्लू टिक लग गया तो इसका मतलब है पढ़ भी लिया, खाली टिक लगा तो पहुंच गया पढ़ा नहीं है, तब तो कहानी बड़ी आसान है। तो ये हम 150 साल पुरानी कहानी पढ़ रहे हैं। जी, अगर
जी बी का खत अगर ए तक नहीं पहुंचा और ए ने दरमियान में डील कर ली तो हम ये देखेंगे कि खत चला किस दिन था। खत चलने से पीछे पीछे डील कर ली तो सही है, खत चलने के बाद डील की तो गलत है, क्योंकि जब खत चला ना कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया। जी अगर तो टाइम रख लेना फिर तो कहानी इजी है, तो समझदार आदमी को टाइम बता देना चाहिए, देखो इस टाइम तक मुझे तुम्हारा खत मिल जाएगा तो मैं बाउंड हूँ वरना मैं बाउंड नहीं। मसला आता ही तब है जब टाइम नहीं होता, तो फिर कहानी रीजनेबल टाइम की खड़ी हो जाती है, और रीजनेबल टाइम ऑब्वियसली जब आपको भेजने में टाइम लगता है दूसरे को रिस्पॉन्स देने में कुछ दिन लगेंगे, तो नॉर्मली जितना टाइम आपको भेजने का लगा हम कह सकते हैं कि उसका 1.5 गुना टाइम आपको कम से कम इंतजार करना चाहिए था। अगर रीजनेबल टाइम में नहीं मिलता तो ठीक है आप कुछ और डील कर लें, जब वो आके लड़ाई झगड़ा करेगा अदालत जाए, अदालत में साबित कर देंगे जी मैं 7 साल तक तो इंतजार किया नहीं आया खत, तो अगेन रीजनेबल टाइम का भी एक 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 मामला होगा ना, एक मुद्दत होगी। हाँ मतलब जैसे नीचे वालों ने कहा कि अच्छा जी आप जाए सोचे मैं कुछ टाइम तक आपकी सीट रिजर्व रखूंगा, आप अगले सेशन में आए कि हाँ मेरी सीट रिजर्व है, वो कहेंगे यार भाई रीजनेबल टाइम का मतलब था 3-4 दिन में पता कर लेते हैं, और शायद 3-4 दिन ही नहीं, एडमिशन के दिनों में तो 3-4 घंटे भी रीजनेबल टाइम नहीं होता। तो रीजनेबल के वर्ड को तो हम कभी भी कुछ नहीं कह सकते, वो अदालत में सबूतों की बेस पे साबित होगा कि इस वक्त क्या रीजनेबल था और क्या नहीं था। अब एक काम करता हूँ मजीद जो सवाल है उन सवालों के जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन जो लोग निकलना चाहें उनके लिए मैं कम अज कम बता दूं आज चूंकि जुम्मा है और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 1:10, 1:11 तक मैक्सिमम आपको फ्री कर दिया करूं ताकि मेरी वजह से मेरे ऊपर किसी का बोझ ना आए। चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, तो क्या होना चाहिए हमारा टेस्ट? अब सवाल ये है कि टेस्ट किस दिन हो, अगर सैटरडे को तो आप कहेंगे सर वो जो 5 दिन वाला वादा है वो किधर गया, और चूंकि आपका पहला पहला टेस्ट है आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम भी चाहिए, तो आने वाला मंडे, मंडे मैं कहा लिखा नहीं, मैं जरा लिख दूंगा जी, मैं जरा सामने लिख दूं ताकि सनद रहे बहुत की जरूरत काम आए। मंडे, इसके आगे अगली खुशी की खबर, लास्ट टाइम, यानी कि मैं आपको अजियत नहीं दे रहा हूंगा, मैं इसी कैंपस में बैठ के आंसू बहा रहा हूँ कि मैं मौजूद हूं और मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा आपके वसीदर मफाद में, और मैं क्लास में छापा मार के देखूंगा कि कितने बच्चे आए हुए, ताकि मैं देख सकूं कि मैं इतने अकीदत और तराम में क्लास की जगह आपको टेस्ट देने बिठा दिया और आप भी टेस्ट देने नहीं आए, तो कम अज कम हमें क्लास करनी चाहिए और आपका टेस्ट शाम में, या मैं कहूँ क्लास से फ्री होकर कभी भी दे दीजिएगा, जो कभी भी होता है ना ये इसका मतलब होता है कभी नहीं। इस टाइम पर आप ये नहीं कह सकते सर मेरा क्लाइंट था, मैं ये कर रहा था, मेरा वो मामला था, इस टाइम पे आप कैंपस में मौजूद होते हैं, ये आपका टाइम डेफिनेट आपने एलोकेट किया होता है इस क्लास के लिए, और जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी टेस्ट देना भी है, और अगर टेस्ट भी हमने क्लास सेट के रख लिया तो फिर सिलेबस जल्दी खत्म हो गया, फिर क्या होगा, ये भी मसला है ना, सिलेबस भी तो तेजी से भाग जाता है, मतलब हमने एक चैप्टर कर भी लिया, 9 चैप्टर में से एक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट है, ज्यादा हो गया ना, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, नहीं बल्कि हाँ एक मिनट, सारा पढ़ा दे फिर एंड पे सारे टेस्ट दे देंगे, यानी कह रहे हैं कि वो सारा पढ़ा दे फिर हमारी भागियां देखिएगा। क्लास टेस्ट क्लास टाइम में होगा और इसमें एमसीक्यूज भी होंगे और थ्योरी भी होगी, सवाल हर तरह के होंगे, और मैं जब आपको ट्यूजडे को उसके ऊपर कमेंट्री कर रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के सवाल को आपने डील कैसे करना था। पहले एक दफा मैं चाहूंगा कि आप अपने तौर पर जरा टक्कर मारें, जरा आप भी तो दिखाएं कि आपके जहन में क्या है कि आपने कैसे सवाल करना है, तो जब टक्कर मारी होगी फिर मेरे जुमले आपको समझ भी आएंगे कि देखो ये वाला सवाल था इसको यूं करते तो बात बनती, ये होगा कितने नंबर का, इससे फर्क क्या पड़ता है, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 1 घंटे से बड़ा नहीं होगा, छोटा हो सकता है, एमसीक्यूज भी होंगे शायद 10 नंबर के करीब और बाकी थ्योरी होगी, तो ये टेस्ट का ये टाइम और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, कोई गलत फहमी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अब अगर किसी का सवाल है जो जाना चाहे चला जाए, मैं भी बस जल्दी से लपेट के निकलना चाहूंगा, अपने आप को बताना है जल्दी से, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए फॉरन से रोक रहा है
ये जो आपका टेस्ट है ना, इसमें 8 और 9 पेज को इग्नोर कर देना। ये जो पहला वर्क है ना आगे पीछे 8 और 9, इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसमें कुछ और एसेंशियल्स और छोटी छोटी सी और बातें हैं जो हमने अभी नहीं, वो हमने आगे जाके पढ़नी है अलग अलग चैप्टर में। तो ऑफर से कहानी शुरू होगी, जो ऑफर का ही होना था 2 सफे का, और जो एक्सेप्टेंस और उसके आगे रेवोकेशन वगैरह। तो ये आखिरी 4 सफे पेज नंबर 10 से लेके पेज 13 तक इसका टेस्ट होगा। सर ए पार्ट ऑफ दैट, ए मतलब